वेलकम बैक स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, माई सेल्फ प्रवीण एंड यू वॉचिंग TSL नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल। ओके, आज जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की कुछ डिस्कशन क्लासेज यहां पर डेली 8 बजे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, कर चुके हैं क्लियरली। ओके, एक क्लास पटना एम्स पर यहां पर हो चुकी है, मेडिकल सर्जिकल, हमने उस पर डील कर चुके हैं। बैक टू बैक क्लासेज यहां से होने वाली है, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में आज हम आपसे डील करेंगे। ओके, सबसे पहले हम पटना एम्स के सारे पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स पर डील करेंगे, देन उसके बाद में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस पे पेपर्स के प्रीवियस पेपर्स पर हम डील करेंगे, उसके बाद में GMCH। ओके, यानी कि एम्स पटना का अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो TSL YouTube चैनल पर विजिट करके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने मेडिकल सर्जिकल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कशन किया है। ओके, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। यस, एक बार स्टूडेंट्स जुड़ जाएं तब तक हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि एम्स पटना का सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, एम्स पटना का सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो सिलेबस की बात करते हैं तो देखो एनाटमी। ओके, एनाटमी से यहाँ से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, एनाटमी से यहाँ से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी से यहाँ से ओनली 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सोशियोलॉजी से यहाँ पे ओनली 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ओके, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ओके, 40 क्वेश्चन मेजर पोर्शन रहने वाला है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मेजर पोर्शन रहने वाला 40 क्वेश्चन। ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से यहाँ पे ओनली 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लियर। न्यूट्रिशन से यहाँ पे ओनली 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन मेडिकल सर्जिकल, मेडिकल सर्जिकल से 40 क्वेश्चन इसका भी मेजर पोर्शन यहाँ पे रहने वाला है। ओके, साइकेट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग ओनली 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। देन ओबीजी, ओके, ओबीजी से भी यहाँ पे मेजर पोर्शन रहने वाला है, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद में पीडियाट्रिक से ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ हार्स 3 हार्स का यह पेपर होगा। ओके, 3 हार्स का ये पेपर होगा, क्लियर, 3 हार्स का ये पेपर होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ओके, लिंक को शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ओके, एक बार लाइक प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे सेशन, आज का न्यू सेशन, और इस पर हम बहुत अच्छे से बात करने वाले। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा रहने वाला है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्लियर। यस, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिंक तब तक आप शेयर कर सकते हैं। ओके, यस, आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है नर्सिंग फाउंडेशन। ओके, 40 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन मेजर सब्जेक्ट, एक दिन और एक सब्जेक्ट फिनिश, क्लियर। जितने भी प्रीवियस पेपर यहाँ को जितने भी मिलेंगे पटना एम्स के लिए, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कल हमने मेडिकल सर्जिकल डिस्कस किया, उसके बाद में आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग डिस्कस करने वाले। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। ओके, एक एक के साथ में डील करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं क्लास को। यस, स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुड लक सभी को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, फर्स्ट का आंसर क्या है? वेरी फास्ट आंसर देने की कोशिश करें। ओके, सिंपल क्वेश्चंस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, देखिए टाइम आपके पास में कम है, मुझे पता है, क्लियर। सिंपल क्वेश्चंस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपको भी आते हैं, सभी को आते हैं, क्लियर। यस, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन कम है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस, हाइपोक्सिया या एनोक्सीमिया, क्या बोलते हैं? ओके, क्या बोलते हैं? हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। ओके, ईमिया का मतलब होता है ब्लड, क्लियर। हाइपोक्सीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, क्या बोलते हैं? हाइपोक्सीमिया, ये भी आपको पता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, वेरी गुड, सभी के आंसर यहाँ पे सही है। मैंने बोला जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे हम ज्यादा उन पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर टू, वेरी गुड, आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। ए आंसर, डी आंसर, डी आंसर, भरत डी आंसर, आशु डी आंसर, प्रियंका डी आंसर, निहारिका ए आंसर। निहारिका क्वेश्चन वापस पढ़े। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, देखो क्या पूछा है,
कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट परसेंट कितना होता है, इंस्पायर एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, कितना होता है क्लास? ओके, ज्यादातर लोगों के यहां पर आंसर सही है. ओके, 21% इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन कितना होता है, 21%. ओके, कितना होता है, 21%. और एक्सपायर्ड एयर के अंदर, एक्सपायर्ड एयर के अंदर, यस, एक्सपायर्ड एयर के अंदर ये कितने होने वाला है, 16%. क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है. ओके, 16% एक्सपायर्ड एयर के अंदर, एक्सपायर्ड एयर के अंदर 16% ऑक्सीजन, और इंस्पायर्ड एयर के अंदर 21%. ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस पर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3. यस, सभी के आंसर सही है. निहारिका, यस, निहारिका एक बार वीडियो को लाइव पर टैप जरूर करें. ओके, एज पर कुबलर रोस स्टेज ऑफ ग्रीविंग, रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट लॉस इज हैपनिंग, हैज हैपेंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें. आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन यहां से उठाए जा रहे हैं. ओके, मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन यहां पे नहीं है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन कर सको. ओके, मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन यहां पे नहीं है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं. फंडामेंटल कल हमने मेडिकल सर्जिकल डिस्कस किया, उसके बाद में आज हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. क्वेश्चन आपके सामने, आंसर देने की कोशिश करें, आंसर देने की कोशिश करें. यस, आंसर आपके आ रहे हैं, बी आंसर यहां पे आ रहा है, डिनाइल. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर यहां पे सही है. ओके, सभी का आंसर यहां पे सही है. देखो कैसे, एज पर कुबलर रोस, ओके, ये क्या है? ओके, पहली बात, इसमें कौन कौन सी स्टेट होती है? ओके, डी ए बी डी ए, डाबडा. ओके, इस नाम से इसको बोलते हैं, डाबडा. ओके, डिनाइल, सबसे पहले पेशेंट क्या करता है, डिनाइल, उसके बाद में अग्रेशन. ओके, उसके बाद में बार्गेनिंग, देन डिप्रेशन, देन उसके बाद में एक्सेप्टेंस. ओके, ये आपको याद होगा, कुबलर रोस की थ्योरी है, क्लियर? यस, इसमें साफ लिख रखा है, इसमें साफ, रिफ्यूजिंग टू बिलीव. ओके, रिफ्यूजिंग टू बिलीव, बिलीव करने में, रिफ्यूज मना कर रहा है, तो मना करने को हम क्या बोलते हैं, डिनाइल. मना करने को हम क्या बोलते हैं, डिनाइल, क्लियर? यस, ओके, इससे ज्यादा फास्ट क्लास नहीं हो सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. TSL आपको फास्ट क्लास इसलिए प्रोवाइड करवा रहा है कि एक घंटे के अंदर आपका 20 ही क्वेश्चन हो या 10 ही क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, एक घंटे के अंदर पूरे 40 क्वेश्चंस के समथिंग हम यहाँ पे डील करने वाले हैं. ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर प्लीज. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस. ओके, कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है? ओके, सेम क्वेश्चन ये पूछा गया पटना एम्स के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन पटना एम्स के अंदर पूछे गए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, देन कुछ नॉर्मल, अति नॉर्मल क्वेश्चंस पटना एम्स से पूछे जाते हैं, जैसा कि ये, इंटेस्टाइन करता है क्या? ओके, नहीं करता, क्लियर? किडनी, यस, किडनी बिल्कुल रेगुलेट करता है, किडनी बिल्कुल फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करता है. ओके, एक्सक्रीट और एब्जॉर्प्शन के थ्रू. ओके, स्टोमक नहीं करता है, लंग्स नहीं करता है. योर आंसर इज किडनी, योर आंसर इज किडनी, बहुत बढ़िया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट नॉर्मल लेवल ऑफ हिमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम इन द मैन, मैन के अंदर कितना होता है, मैन के अंदर कितना होता है हिमाटोक्रिट लेवल, मैन के अंदर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यार, योर अंजलि शर्मा, बी जेके, ओके, सी अनिल, सी निहारिका, सी बाकी स्टूडेंट, आंसर प्लीज, आशु, सी. ओके, 40, देखो एक्सपेक्टेशन एवरेज हम यहां पे लेके चलते हैं, क्लियर? तो मैन की बात कर लेता हूं. ओके, मैन की बात कर लेता हूं, मैन के अंदर होता है 42-52%. ओके, कितना, 42-55%. वुमन की बात कर लेते हैं, 37-47%. ओके, यस, ये एग्जैक्ट डेटा, तो हमारा आप यहाँ पे आंसर जाने वाला है 40-50%, क्योंकि इसने किसमें पूछा है, ओके, किसमें पूछा है, मैन के अंदर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर यहाँ पे सही है.
क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स अगर आपने ये पढ़ा है तो आंसर इसका डायरेक्ट आप दे सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओके, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर यहां पे सही है, सभी के आंसर यहां पे सही है, इंटेलिजेंट हो चुके. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी फॉर्म बिफोर रेडियल आर्टरी कैन्युलाइजेशन. ओके, रेडियल आर्टरी को पंचर करने से पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है? ओके, अल्नर आर्टरी की सफिशियंसी को चेक करने के लिए एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एलन टेस्ट. उसको बोलते हैं क्या? एलन टेस्ट. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर यहाँ पे सही है, सभी के आंसर यहाँ पे सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, इससे ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन और नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन और नहीं हो सकता, बट ये भी एग्जाम के अंदर तो आया भैया. ओके, ये भी एग्जाम के अंदर तो आया है. ओके, यस, एक कोर्स आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जो आसानी से मिल जाए उसे पाने की हम ख्वाहिश नहीं करते, जो आसानी से मिल जाए उसे पाने की हम ख्वाहिश नहीं करते, हम ताल्लुक रखते हैं उन किताबों से जो हमें ऑफिसर बनने का दम रखती है. ओके, हम ताल्लुक रखते हैं उन किताबों से जो हमें नर्सिंग ऑफिसर बनने का दम रखती है. बहुत बढ़िया क्लास, ओके क्लास, बहुत बढ़िया, यस. आंसर योर आंसर इज क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या जाने वाला है? सभी का आंसर यहाँ पे सही है, सभी का आंसर यहाँ पे सही है. एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्या बोलते हैं? सिंड्रोम. क्या बोलते हैं क्लास? सिंड्रोम. योर आंसर, राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर एट, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर एट, क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें और इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर राइट देने की कोशिश करें. ओके, यस, रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड. यही लैंग्वेज काम में ली गई थी. ओके, यही लैंग्वेज यहां पे काम में ली गई थी. रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग. हाइपोवेंटिलेशन, ऑर्थोपनिया, हाइपरवेंटिलेशन, काइनी स्ट्रोक, रेस्पिरेशन. एलिमिनेशन मेथड काम में ले, एलिमिनेशन मेथड काम में ले. प्रियंका चौधरी डी आंसर, वीना कुमारी डी आंसर, नेहा डी आंसर, अंबिका, निहारिका, संजय, सबके डी आंसर. वेरी गुड, एक ने भी यहाँ पर गलत आंसर नहीं दिया, सभी के आंसर सही है. और क्या बोलते हैं? काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन. ओके, काइनी, देखो हाइपोवेंटिलेशन. ओके, हाइपोवेंटिलेशन, वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन डिक्रीज, क्लियर नहीं हो सकता. ओके, ऑर्थोपनिया, पेशेंट ओनली रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन कर सकता है सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, जैसे पेशेंट लाइन डाउन होगा डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाएगी. ऑर्थोपनिया का मतलब होता है पेशेंट ब्रीथ कर सकता है नॉर्मली सफिशियंट, कब? जब पेशेंट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हो. ये भी नहीं हो सकता. हाइपर वेंटिलेशन, ऐसा तो कुछ डेटा हमारे पास में नहीं है. काइनेस्टिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रिदमिक, देखो रिदमिक. ओके, वैक्सिंग और वेनिंग का मतलब क्या होता है? देखो इधर देखो, अगर मैं रेस्पिरेशन को चलाऊं, ओके, तो ये देखो, अगर मैं रेस्पिरेशन को चलाऊं तो रिदमिक और बिल्कुल देखो, रेस्पिरेशन बढ़ता हुआ देन डिक्रीज होता हुआ, देन स्टेज ऑफ एपनिया, फिर वापस से रेस्पिरेशन बढ़ता गया, डेप्थ बढ़ती गई, देन वापस से डिक्रीज होती गई, देन वापस से क्या? एपनिया. ओके, रेस्पिरेशन बढ़ता गया, डिक्रीज होता गया, देन स्टेज ऑफ एपनिया. क्लियर, एक रिदम के साथ में चलता है, उसको क्या बोलते हैं? काइनेस्टिक रेस्पिरेशन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, ए बेडरिडन पेशेंट इज हैविंग इंटैक्ट स्किन एट द सैक्रल रीजन एंड द सिम्टम्स ऑफ वार्म्स, पेन एंड फर्म स्किन एट द साइट, व्हाट इज द स्टेज ऑफ बेड सोर? बेड सोर से एक क्वेश्चन जरूर आता है स्टेज से. ओके, क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? नाइन नंबर, सभी के आंसर, यस, आंसर सी आ रहा है यहां पर, आंसर देखते हैं. ओके, देखते हैं, यस, इधर ध्यान दो. देखो इसमें से हमको डेटा उठाने, ओके, डेटा उठाने. ओके, बेड रिडन पेशेंट है, देन देखो सिम्टम्स क्या है? वार्म सिम्टम्स है, वार्म सिम्टम्स है, पेन हो रहा है, फर्म स्किन है, बट एट द साइट ऑफ, एट द साइट. ओके, देखो बेड रिडन पेशेंट हैविंग इंटैक्ट स्किन, वेरी गुड. एक डेटा हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल चुका है, उसमें लिख रखा है क्या?
इंटैक्ट स्किन ओके। इंटैक्ट स्किन का मतलब होता है स्किन अभी ब्रेक डाउन नहीं हुई है, स्किन अभी ब्रेक डाउन नहीं हुई है। तो बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, इंटैक्ट स्किन ओके। इंटैक्ट स्किन, स्किन ब्रेक डाउन नहीं हुई है, स्किन ब्रेक डाउन नहीं हुई है ओके। सेकंड डिग्री के अंदर कर देख लेते हैं एपिडर्मिस ओके। एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों की दोनों अफेक्ट हो चुकी है ओके। थर्ड डिग्री के अंदर देख लेते हैं एपिडर्मिस ओके प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू भी यहां पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। फोर्थ डिग्री के अंदर देख लेते हैं ओके, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू प्लस बोन आल्सो इंक्लूडेड। सर कैसे याद रखो, देखो फर्स्ट डिग्री के अंदर बर्न के अंदर आपकी स्किन इंटैक्ट रहेगी ओके। स्किन यस यहाँ पे बर्न हुआ ओके, यहाँ पे बर्न हुआ तो यहाँ पर स्किन इंटैक्ट रहेगी, बट यहाँ पे रेडनेस हो सकती है, वार्म हो सकती है, और क्या हो सकता है यहाँ पर, और पेन हो सकता है, बट स्किन आपकी इंटैक्ट रहेगी, ब्रेक डाउन नहीं होगा ओके। देखो सेकंड डिग्री में टू आता है ओके, टू आता है, दोनों की दोनों लेयर अफेक्ट हो चुकी है, एपिडर्मिस और डर्मिस। थर्ड के अंदर तीन आता है ओके, एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस तीनों लेयर अफेक्टेड। फोर्थ के अंदर चार आता है ओके, एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस देन बोन। क्लियर? यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, स्टेज फर्स्ट। आंसर क्या जाने वाला है, स्टेज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने गलत नहीं किया तो आपकी जीत निश्चित है। फॉलोइंग डेथ द सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय द सर्वाइविंग लव्ड वंस इज कॉल्ड। ध्यान से समझे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है ओके, ध्यान से समझे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है और क्या पूछना चाहता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। वेरी गुड ओके, आंसर सभी के यस। यहां पर थोड़े आंसर आपके डगमगा रहे ओके, कोई आंसर ए दे रहा है, डी दे रहा है ओके यस। ए में क्या है, बेरियमेंट देन ग्रिप कॉम्प्लियंस देन मॉर्निंग। क्या आंसर आपके हो सकते हैं, क्या आंसर आपके हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। सर ए आंसर वेरीमेंट मॉर्निंग एंड कॉम्प्लियंस और ग्रीफ। देखो मैं बता देता हूं, क्लियर मैं बता देता हूं, ध्यान से देना सभी वर्ड्स का मतलब, ध्यान से समझना ओके। सभी वर्ड्स का मतलब ध्यान से समझ लेना ओके। ये तो आप हैं, क्लियर ये तो आप हैं ओके यस ओके। ये आपका कोई ऐसा पर्सन है या फिर कोई भी हो ओके, जो खास आपका रिलेटिव है ओके, खास आपका रिलेटिव है ओके यस। ये लो रिलेटिव हो गया, क्लियर ये रिलेटिव, इसकी डेथ हो जाती है ओके। Assumptions करो, इमेजिंग करो क्वेश्चन समझने के लिए ओनली ओके। इसकी डेथ हो जाती है ओके, इसकी डेथ हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बेरियमेंट ओके। जब कोई पर्सन होता है उसका लव्ड वंस ओके, उसका लव्ड वंस की अगर डेथ हो जाती है तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बेरियमेंट ओके। उस अगर उसका लॉस हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, सॉरी लॉस भी यहाँ पे आएगा ओके, लॉस हो जाता है और डेथ हो जाता है, उसको बोलते हैं बेरियमेंट। क्लियर बेरियमेंट, एक आदमी है ये ओके, इसके लव्ड वंस की क्या हो गई, डेथ, इस स्टेट को बोल दिया हमने क्या, बेरियमेंट। बट इसने इसको जैसे ही पता चला ओके, इस भले इंसान को जैसे ही पता चला कि ऐसा कुछ हो गया ओके, ऐसा कुछ हो गया, तो ये सुबह सुबह उठकर क्या करने लग गया, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, एक्साइटेड हो गया, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, अपनी फीलिंग्स को क्या करने लग गया, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे क्या करने लग गया, आउट करने लग गया, अपनी फीलिंग को आउट करने लग गया। तो ये सब कुछ उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग ओके। चिल्लाने लग गया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी उनके साथ में जाना चाहता हूं, मुझे भी मार दो, ये सारे वर्ड्स जो काम में ले रहे हैं, फीलिंग्स को एक्सपायर कर रहा है, फीलिंग्स को एक्सपायर कर रहा है ओके। उसको कंडीशन को बोलते हैं मॉर्निंग, उस कंडीशन को बोलते हैं मॉर्निंग ओके। कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब यहाँ पे नहीं है, कॉम्प्लेक्स वर्ड का तो मतलब सिंपल है, ऑर्डर्स को फॉलो करना, ऑर्डर्स या आपके पास में कोई रूल होता है ओके, रूल होता है उसको फॉलो करना, इंस्टीट्यूशन के अंदर काम में लिया जाता है, ये वर्ड तो बिल्कुल ही अलग है। और ग्रिफ ओके, ग्रिफ का मतलब होता है, ग्रिफ का भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है। देखो कैसे,
अगर इस लव्ड वंस पास अवे हो गया, उस कंडीशन को बोला बेरीमेंट, ओके? जिस पर्सन को यह पता चला कि ऐसा हो गया, उसने अपनी फीलिंग्स को, एक्साइटेड फीलिंग्स को बाहर निकाल दी, ओके? नहीं ऐसा नहीं, उसे तो चिल्लाने लग गया, अपना पता नहीं है क्या हो रहा है, डिप्रेशन के अंदर चला गया, बट वो डिप्रेशन आपको दिख रहा है, ओके? दूसरे इंसान को दिख रहा है कि पर्सन डिप्रेशन में एक्साइट अपनी फीलिंग्स को एक्सपायर कर रहा है, क्लियर? उसको बोल दिया मॉर्निंग, बट वो फीलिंग्स को आउट ही नहीं करे, ओके? कंडीशन बर्यूमेंट की हो गई, बट वो फीलिंग्स को आउट ही नहीं करे, फीलिंग्स को दबा कर बैठ जाए, इंटरनल फीलिंग्स, थॉट को आउट नहीं होने दे, ओके? लव्ड वन पास अवे हो गया, लॉस हो गया, वो सदमे में चला गया, ओके? डिप्रेशन के अंदर चला गया, अब वो फीलिंग को आउट नहीं कर रहा है, ओके? यस, मॉर्निंग के अंदर तो फीलिंग को आउट कर देता है, बट ग्रीफ के अंदर इंटरनल फीलिंग्स होती है, होता तो उसको भी शोक में ही जाता है, बट वो फीलिंग्स को आउट नहीं करता है, यानी कि इसके अंदर इंटरनल फीलिंग्स दबी की दबी ही रह जाती है, क्लियर? तो ऐसा कहां पर क्या लिखा हुआ है, ओके? देखो क्वेश्चन को वापस से समझो, फॉलोइंग डेथ, डेथ हो चुकी है, द सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय द सर्वाइविंग लव्ड वंस, ओके? दो सब्जेक्ट था, क्लियर? ध्यान देना, सब्जेक्ट कौन? मरने वाला, ओके? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मरने वाला, वो कौन था? लव्ड वंस था, वो कौन था? लव्ड वंस था, बरीवेंट यहाँ पे आंसर जाने वाला है, ओके? फॉलोइंग डेथ, द सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय द सर्वाइविंग लव्ड वंस, ओके? जो मरने वाला था वो कौन था? लव्ड वंस था, ओके? कौन था? लव्ड वंस था, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं भैया? बेरीमेंट, ओके? क्या बोलते हैं? बेरीमेंट, जिसका जो खोया है उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सपायर कर दिया, अपनी फीलिंग्स को आउट कर दिया, उसको मॉर्निंग बोल दिया, ये वर्ड अपन से रिलेटेड है नहीं, और फीलिंग्स को दबा कर बैठ गया कि ये तो बहुत बुरा हुआ, अंदर ही अंदर, मन के अंदर ही बैठा रहा, उसको बोलते हैं क्या? ग्रीफ। तो यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है बेरीमेंट, क्लियर? सारे वर्ड से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स डज इंसुलिन हेल्प टू मूव इनटू द सेल? फास्ट आंसर, डी आंसर, वेरी गुड, सभी के आंसर यहाँ पे सही है, पोटेशियम, ओके? देखो क्या करता है इंसुलिन, ये है भैया सेल, ओके? ये दे दिया आपने इंसुलिन, ओके? ये दे दिया इंसुलिन, देन इंसुलिन क्या करता है? देखो ग्लूकोज, ओके? ग्लूकोज को सेल के अंदर कर देगा, क्लोराइड इसको सेल के अंदर कर देगा, मैग्नीशियम इसको सेल के अंदर कर देगा, देन देन किसको? पोटेशियम इसको सेल के अंदर कर देगा। हमसे पूछा इंसुलिन किसको सेल के अंदर मूव करवा सकता है? पोटेशियम को, ओके? किसको करवा सकता है? मेनली यहाँ पर आंसर जाएगा पोटेशियम और ग्लूकोज, यहाँ पर क्या रहते हैं? मेनली रहते हैं, ओके? मोस्ट कॉमन रहते हैं, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ओके? क्वेश्चन नंबर 12, सभी के आंसर सही है। Temperature of 98.7 degree Fahrenheit is approximately equal to dash degree Celsius. Yes. Okay. कितने degree Celsius होगा? तो इसका formula क्या होता है? Okay. इसका formula क्या होता है? देखो, इसका formula क्या होता है? C बराबर F minus 32. Okay. Plus into C बराबर F minus 32 इंटू 5/9, ये फॉर्मूला होगा, ओके? ये फॉर्मूला होगा और इसका आंसर आएगा कितना? सी, ओके? इसका आंसर आएगा 37.06, ओके? ये फॉर्मूला जरूर याद रखे, 37.06 कैलकुलेशन कर सकते हो, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे कुछ क्वेश्चन फंडामेंटल से यहाँ पे पूछे गए थे, ओके? यस, 40 क्वेश्चंस हम सारे के सारे 40 क्वेश्चंस आज डील करेंगे, उसके बाद में ओबीजी का जो मेजर पोर्शन रहेगा उसको डील करेंगे, क्लियर? यस, 30 का डी, प्रियंका, ओके, वीना, भुवनेश, जेके, सब यहां पर क्या दे रहे हैं? डी, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। मैंने बोला कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, उन सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ओके? पल्स प्रेशर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी गुड, क्लास को लाइक जरूर करें, ओके? यस,
फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीएमआई. ओके, बीएमआई के फॉर्मूला, बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? ओके, बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? वेट. ओके, वेट इन केजी, वेट इन केजी. एंड हाइट, हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर. ये है बीएमआई का फॉर्मूला. कौन से ऑप्शन में लिख रखा है? कौन से ऑप्शन में यहाँ पर लिख रखा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में कौन से ऑप्शन में यहाँ पे लिख रखा है? ओके, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है. ओके, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती. क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है और आपका एक आंसर सही हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर? ईयर के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा यहां पर इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाएगा? ओके, ऑप्थेल्मोस्कोप. ओके, ऑप्थेल्मोस्कोप किसको काम में लेते हैं? आई के एग्जामिनेशन के लिए. तो आंसर नहीं होगा. हमको चाहिए क्या? ईयर. ओके, लैरिंजोस्कोप नहीं होगा आंसर. लैरिंग्स को चेक करते हैं. ऑटोस्कोप. ओके, ऑटोस्कोप हो सकता है. ओके, बिल्कुल आंसर यही है. प्रोक्टोस्कोप रेक्टम और एनस को चेक करने के लिए. क्लियर, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. राइट आंसर क्या होगा? सी. क्लियर, वेरी गुड. कुछ क्वेश्चन इतने सीधे और सिंपल भी आते. ओके, नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन नॉर्मली रेंज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम. यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? दिए गए ऑप्शंस में से आपका आंसर चूज करना है. यार 16 में आंसर आपके सभी के आ रहे हैं, डी. भुवनेश, वीना, जे के, अनु. ओके, एग्जैक्टली अगर कोई बता सकता है कि कितनी हो सकती है लिखकर. ओके, इसमें तो डेटा दिए गए हैं, उनके हिसाब से आपने आंसर कर दिया. ओके, एग्जैक्टली कितनी होती है, कोई बता सकता है क्या? एग्जैक्टली कितनी होती है? एग्जैक्टली कितनी होती है क्लास? ओके, तो यस, मैं आपको बता देता हूं. देखो, याद रखने का तरीका कभी नहीं भूलोगे. ओके, कभी नहीं भूलोगे. 1005 से लेके 1030, सर ये कैसा डेटा हुआ? ओके, ये कैसा डेटा हुआ? तो ये एक ऐसा डेटा हुआ, पॉइंट और लगा दो, 1005 से लेके 1030. ओके, यही होती है. देखो देखो, 1025. ओके, 101, ये क्या लिख रखा है? बट डेटा तो कुछ ऐसा ही है. आंसर यहां से जाएगा. ओके, 1005 से 1030 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसा कुछ याद करने की ट्रिक यहां पर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 17, सभी के आंसर यहां पे सही है. वेरी गुड. ओके, थम्स अप जरूर कीजिएगा. ओके, थम्स अप जरूर कीजिएगा क्लास, थम्स अप जरूर कीजिएगा. बढ़ते हैं एक बेहतरीन क्वार्ट्स के साथ में. ओके, बेहतरीन क्वार्ट्स के साथ में आपके सामने खुल चुका है. ओके, रीड करें. ओके, रीड करें. कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है. ओके, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में होती है. तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा. ओके, पटना एम्स के लिए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स पेपर की सीरीज रन कर रहे हैं. क्लियर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आपके सामने प्रेजेंट है. क्लियर, यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर. इंसर्शन ऑफ ए ट्यूब इनसाइड द स्टोमक थ्रू द नोज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओके, आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट, भुवनेश्वर शर्मा, नरेंद्र वर्मा. ओके, बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर. ओके, यस, बी आंसर. क्या? इंट्यूबेशन. ओके, देखते हैं क्या बोलता. ओके, यस, नोज से देन, यस, इंसर्शन ऑफ ट्यूब इनसाइड द स्टोमक. ओके, थ्रो द नोज. ओके, थ्रो द नोज. भैया नोज से हमने क्या किया? नोज से हमने क्या किया? स्टोमक के अंदर नोज से हमने क्या किया? नोज से हमने क्या किया? स्टोमक के अंदर एक ट्यूब डाल दी. ओके, उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं क्या? भैया नहीं बोलते, ये तो वॉश करने का तरीका हो गया. ओके, इंट्यूबेशन बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं. एक्सट्यूबेशन का मतलब होता है एक्स आउट करना, निकाल लेना, ये नहीं हो सकता. यूरिगेशन तो कोई टर्मी नहीं होती. ओके, इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन. ओके, नेजोगैस्ट्रिक, नेजोगैस्ट्रिक. ओके, नेजो यहां से आया. ओके, नेजो, नोज से लेके गैस्ट्रिक, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन. राइट आंसर विल बी गिवन बी. ओके, बी इज राइट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर. वेरी गुड, सभी का आंसर यहां पे सही है, सभी का आंसर यहां पे सही है. क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, इंट्रावीनस सॉल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड इज एन क्या है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहले मैं आपके आंसर लेने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में कुछ इनको भी समझते हैं कौन सा क्या होता है। ओके, आईवी सॉल्यूशन ऑफ 0.45% क्या है? कोलोइड है क्या? हाइपरटोनिक है क्या? हाइपोटोनिक है क्या? आइसोटोनिक है क्या? 18 नंबर पे क्या जाने वाला है आपका आंसर? सी आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, सी आंसर यहाँ पे सभी क्या आ रहे हैं? ओके, देखते हैं 18 नंबर पर सी आंसर यहाँ पे सभी क्या आ रहे हैं। ओके, यस, सी आंसर आ रहे हैं तो मैं भी टिक लगा देता हूं, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको, वेरी गुड। ओके, सी आंसर सही है। ओके, सी आंसर यहाँ पे सभी के सही है। बात कर लेते हैं आइसोटोनिक। ओके, बात कर लेते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। ओके, आइसोटोनिक एनएस, एनएस। ओके, 0.9%। ओके, आइसोटोनिक है। देन RL, 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 ओके, क्या है? आइसोटोनिक है। देन उसके बाद में बात कर लेते हैं 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज इनवर्टर, इनवर्टर क्या है? ये भी क्या है? आइसोटोनिक है, लिख सकते हो। ओके, देन 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज इन NS by 4, NS by 4 और NS by 4 को ही लगते हैं 0.225। ओके, 0.225, तीनों के तीनों, 4 के 4 क्या है? आइसोटोनिक है। 4 के 4 क्या है? आइसोटोनिक है। नेक्स्ट बात करते लेते हैं हाइपोटोनिक। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक कौन कौन से सॉल्यूशन है? ओके, हाइपोटोनिक की बात कर लेते हो NS by 2, ओके, NS by 2, NS by 2 जिसको बोलते हैं हम 0.45%, जो ये रहा। ओके, ये रहा। देन NS by 4, ओके, NS by 4 जिसको बोलते हैं 0.225। ओके, देन उसके बाद में डिस्टल वाटर, डिस्टल वाटर इज ऑल्सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, डिस्टल वाटर इज ऑल्सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन 5%, 3% NS, ओके, डेक्सट्रोन हुआ, प्रोटीन हुआ, सारे 10% डेक्सट्रोज हुआ, सारे के सारे कितने हाइपरटोनिक है। क्लियर, हाइपरटोनिक है, तीनों आप को याद रखना है। क्लियर, एक क्वेश्चन तो आईवी से यहां से ही बनता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जो क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है एलिमिनेशन काम में ले कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि इसका रीजन ये है, ओके, बी ऑप्शन नहीं हो सकता इसलिए इसका रीजन ये, सी ऑप्शन नहीं हो सकता इसलिए इसका रीजन ये, अब बचा डी तो ये हो सकता है, ऐसे भी कुछ काम में ले सकते हैं। क्लियर, यस, क्वेश्चन नंबर 19 इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन टू द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन समवन पास अवे, उसको क्या बोलते हैं? ओके, जब कोई इंसान मर जाता है उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर कुछ सॉल्यूशंस डाले जाते हैं, वो सॉल्यूशंस कौन से होते हैं और वो डाले जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया। ओके, यार ये और आंसर, ए आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, सी आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, एम्बैक्टेरियम, ओके, रिवेस्टिनेशन, एम्बेलमिंग और रिंसिंग, क्या बोलते हैं? वेरी गुड क्लास, कितने अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया है। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं क्लास, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यस, ओके, एम्बेलमिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्बेलमिंग। और जो सॉल्यूशन काम में लिया जाता है बॉडी को प्रिजर्व, डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो सॉल्यूशन काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। ओके, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड इसके अंदर होता है, फॉर्मेल्डिहाइड इसके अंदर होता है, फॉर्मेलिन डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए काम में लिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एम्बेलमिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एम्बेलमिंग, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर, यस, सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सभी के आंसर सही है। ओके, इनिमा इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्पाजमोटिक इनिमा, एंटी स्पाजमोटिक इनिमा कौन सा होता है? एंटी स्पाजमेटिक इनिमा, देखो बात करते हैं कुछ इसकी कहानी भी थोड़ी सी सुन लेते हैं। ओके, एंटी स्पाजमेटिक जो स्पाज्म को रिलीव कर दे, ओके, और स्पाज्म आते हैं भैया गैस्ट्रिक के अंदर गैस की वजह से, ओके, गैस फॉर्मेशन हो जाए तो क्या आते हैं? स्पाज्म आते हैं। ओके, और देखो हम एक व्हीकल चलाते हैं जिसको बोलते हैं कार, ओके, जिसको बोलते हैं कार, और कार के अंदर ऑल्सो गैस इंक्लूड करते हैं,
ओके कार को चलाने के लिए गैस काम में लेते हैं, ओके तो गैस को रिलीव कर दे उसको क्या बोलते हैं कार, ओके क्या बोलते हैं कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव याद करने का तरीका, गैस के अंदर सॉरी कार के अंदर हम गैस डाल के चलाते हैं उसको, ओके जो इससे हमने क्या देखा कि कार्मिनेटिव जो गैस को रिलीव कर देता है और गैस को रिलीव कर देगा तो आपके स्पाज्मोटिक रिलीव हो जाएगा, वो इनिमा जो स्पाज्मोटिक या गैस को रिलीव करता है कार्मिनेटिव इनिमा कहलाता। कितनी अच्छी हिंदी है, क्लियर? यस। क्वेश्चन बढ़ते हैं 21, ऐसे कुछ क्वेश्चन। यस कार्मिनेटिव इनिमा, वेरी गुड एल सी यादव, ओके एच बी ए वन सी वैल्यू रिफ्लेक्ट दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पास्ट, कितने मंथ की ब्लड ग्लूकोज लेवल को दिखाता है एच बी ए वन सी, ओके फर्स्ट मंथ, सेवन मंथ, थ्री मंथ, देन नाइन मंथ, सी आंसर यहां पे आ रहे हैं, ओके सी आंसर यहां पे आ रहे हैं, यस ओके थ्री मंथ्स प्रीवियस थ्री मंथ्स के यहाँ पर डेटा आपको यह दिखाता कि ब्लड बॉडी ने ग्लूकोज को किस तरीके से डाइजेस्ट कर पाया, ओके डाइल्यूट डाइजेस्ट कर पाया थ्री मंथ्स कितना होता है 4-6% नॉर्मल होता है, क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट, आंसर सभी के यहाँ पे सही है, जो आंसर आप सभी सही दे रहे हो उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करें, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हायर High to normal within a few hours is called. क्या बोलते हैं? आपके आंसर में लेना चाहूंगा, उसके बाद इस पर डील करें, क्लियर? यार आंसर फर्स्ट सी आंसर आ रहे हैं, बी आंसर यहां पे आ रहे हैं, ओके सडन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सडनली डिक्रीज हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हाइपोथर्मिया, लाइसिस, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस, क्या बोलते हैं? देखो भैया हम बात कर लेते हैं, डायग्रामेटिक इसको समझाते हैं, देखो ये हो गया हाई टेम्परेचर, ओके ये हो गया हाई टेम्परेचर, क्लियर? हाई टेम्परेचर, देखो ये राइटिंग सुधारने के बाद ऐसी हुई है, क्लियर? हाई टेम्परेचर, देखो हाई टेम्परेचर अगर ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ तो इसको मैंने क्या बोल दिया? लाइसिस, ओके इसको मैंने क्या बोल दिया? लाइसिस, बट ये हाई टेम्परेचर सडनली, ओके बट ये हाई टेम्परेचर क्या हुआ? सडनली डिक्रीज हो गया तो इसको मैंने बोल दिया क्या? क्राइसिस, ओके इसको मैंने बोल दिया क्या? क्राइसिस, ध्यान देने की बात है, इधर ध्यान दो, ओके क्राइसिस बोल दिया, बट ये क्राइसिस भी दो तरीके के हो सकता है, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर सडनली डिक्रीज हो गया उसको बोला क्राइसिस, और ये क्राइसिस होने पर, ओके एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर सडनली डिक्रीज हो गया उसको बोल दिया क्राइसिस, और ये सडनली डिक्रीज हुआ और पेशेंट की जो कंडीशन थी, ओके पेशेंट की जो कंडीशन थी वो क्या हो गई? इंप्रूवमेंट, पेशेंट सही कंडीशन, रिहैबिलिटेटिव कंडीशन की ओर चला गया, ओके एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर सडनली डिक्रीज हो गया उसको बोल दिया क्राइसिस, और अगर पेशेंट की कंडीशन भी इंप्रूवमेंट हो जाती है तो उसको बोल देते हैं क्या? ट्रू क्राइसिस, उसको बोल देते हैं ट्रू क्राइसिस, क्लियर? और एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर अगर सडनली डिक्रीज हो गया उसको तो क्राइसिस बोल दिया, बट पेशेंट की कंडीशन अगर ठीक नहीं हुई, ओके तो उसको बोल देते हैं फॉल्स क्राइसिस, ओके एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर सडनली डिक्रीज हुआ ऐसा क्वेश्चन में लिख रखा है तो हमको ये तो पता है क्राइसिस है, क्लियर? ये तो पता है क्राइसिस, अगर कुछ भी डेटा दे नहीं रखा तो आपका आंसर जाएगा ट्रू क्राइसिस, ओके तो आपका आंसर जाने वाला है ट्रू क्राइसिस अगर डेटा नहीं दे रखा है, और अगर यहाँ पे डेटा दे रखा होगा, ओके कि एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर सडनली डिक्रीज, ओके बट पेशेंट कंडीशन नॉट इंप्रूव, उसके बाद में आपका आंसर कंसीडर हो सकता था फॉल्स क्राइसिस के अंदर, क्लियर? ओके वेरी गुड, थम्स अप जरूर करें, ओके यस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, बहुत बढ़िया, ओके इन ए हेल्दी इंडिविजुअल वेगिंग 70 kg at rest, the stroke volume is about. Normal stroke volume पूछा है इसने, okay, weight देखे, weight से कोई link नहीं है यहाँ पर, कितना होता है? 70 ml ही होता है भैया, कितना होता है? 70 ml normal stroke volume होता है, simple सी बात है, समझने की बात है, clear? Yes, question number 24.
क्वेश्चन नंबर 24, मोटिवेटेड रहना है, ओके, मोटिवेटेड रहना हमेशा, ओके, इसलिए आपको बीच बीच में डोज भी दी जाती है. द फीवर इन विच टेम्परेचर रिमेन अबव नॉर्मल, ओके, ऐसा कोई फीवर है जो टेम्परेचर रिमेन अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लक्चुएशन मोर देन 2 degree Fahrenheit इज नोन एज, क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ फीवर आपने अगर पढ़े होंगे. वाइटल साइन से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, ओके, सिंपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पटना एम्स के अंदर पूछे जाते हैं. वाइटल साइंस हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, ओके, एनवायरमेंट सॉरी हॉस्पिटल एनवायरमेंट हो गया, इनसे एक बार आप पढ़कर जरूर जाए. वाइटल साइन वाली इंपॉर्टेंस यहाँ पर यूनिट होने वाली है. द फीवर इन विच टेम्परेचर रिमेन अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लक्चुएशन मोर देन 2 degree Fahrenheit इज नोन एज. सभी का आंसर आ रहे हैं, ओके, किसी के आंसर बी आ रहे हैं, किसी का आंसर डी आ रहे हैं. इंटरमिटेंट होगा, लाइसेंस होगा, रेमिटेंट होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, देखो इन इसमें से सबसे पहले हटाते हैं भैया, इन्वर्टेड नहीं होता, इनवर्स होता है, पहली बात तो गया. अब बच्चे तीन, लाइसिस, लाइसिस मैंने पिछली बार समझाया था, नहीं होगा, ओके, पिछले क्वेश्चन में क्लियर. एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर अगर ग्रेजुअली डिक्रीज होता तो उसको लाइसिस बोलते, ऐसा नहीं लिख रहा. अब बात करते हैं रेमिटेंट और इंटरमिटेंट. गुड इवनिंग पंकज जांगिर, ओके, यस, क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर यहां पे हो सकता है, देखो देखो, एक सिंपल सा वर्ड यहां पे लिखने वाला हूं, सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा, ओके, सिंपल सा वर्ड यहां पे लिख रखा हूं. देखो इसमें ये पूछा है कि एक पेशेंट के अंदर टेम्परेचर ये था क्लियरली, और ये बढ़कर ये हो गया, ओके, तो ये लोअर टेम्परेचर और इंक्रीज टेम्परेचर, ओके, लोअर टेम्परेचर और इंक्रीज टेम्परेचर के अंदर मोर देन 2 degree Fahrenheit, ओके, कितना, मोर देन 2 degree Fahrenheit का क्या है, डिफरेंस है, उस कंडीशन को भैया क्या बोलते हैं, ओके, लोअर टेम्परेचर और इंक्रीज टेम्परेचर के अंदर मोर देन 2 degree Fahrenheit का क्या है, डिफरेंस है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं. यस, जो भी आंसर होगा डिस्कस कर लेंगे, बट एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे रखना है याद, ओके, देखो क्या रखना है, CRI, क्या रखना है भैया, CRI, ओके, देखो सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस फीवर, ओके, सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस फीवर, ओके, आर का मतलब रेमिटेंट, ओके, आर का मतलब रेमिटेंट, और ई आई का मतलब इंटरमिटेंट, ओके, आई का मतलब इंटरमिटेंट, ध्यान देने की बात है, ओके, CRI 2 कर लो, ओके, सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस फीवर, ओके, आर का मतलब रेमिटेंट फीवर, और आई का मतलब इंटरमिटेंट, और एक और आई होती है इनवर्स फीवर, ओके, इनवर्स फीवर, क्या याद रखना है, CRI 2, क्लियर, यस. अब देखो सी में, ओके, अब देखो इस सी के अंदर, देखो सी के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होगा less than 2 degree Fahrenheit, ओके, less than 2 degree Fahrenheit, और इसके अंदर होगा more than 2 degree Fahrenheit, ओके, more than 2 degree Fahrenheit, यही तो पूछा है, more than 2 degree Fahrenheit, ओके, इंटरमिटेंट तो अलग होता है, ओके, इंटरमिटेंट के अंदर तो इंटरवेल्स के अंदर टाइम फ्लक्चुएशन करता है फीवर, ओके, यस, हमको पूछा, अगर लेस देन टू पूछ ले तो कॉन्टिन्यूस आंसर जाएगा, मोर देन टू पूछ ले तो रेमिटेंट आंसर जाएगा, इसलिए आंसर क्या होने वाला है, रेमिटेंट आंसर यहाँ पे होने वाला है. सर एमपी पेपर की तैयारी करवाओगे क्या, सर एमपी की मुश्किल है शायद, ओके, अभी पटना GMCH और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के पेपर्स की बात कर रहे हैं, क्लियर, यस, ओके, यस, डी आंसर नहीं हो सकता, डी, ओके, डी आंसर नहीं हो सकता, सभी के आंसर गलत, मैं अभी बोल देता हूं डी आंसर नहीं है, ओके, क्या आंसर है, रेमिटेंट यहां पे आंसर है, मोर देन टू पूछा, बहुत बढ़िया, ओके, यस, गलत क्वेश्चन आंसर नहीं करने. क्वेश्चन नंबर 25, द साइट ऑफ पल्स इन The neck is cold. देखो ज्यादा ज्ञान लगाने के बाद में छोटा सा क्वेश्चन लाना जरूरी है, होता है, ओके, यस, तो उसका आंसर अभी आप दे चुके, ओके, नेक के पास में कौन सी पल्स देखी जाती है, पोपलिटियल, रेडियल, टेम्पोरल, कैरोटिड, क्लियर, यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यस, क्वेश्चन नंबर 26, द ग्रेजुअल डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ. अरे वाह, क्वेश्चन तो ये हुआ, ओके, क्वेश्चन तो ये हुआ, इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी नहीं भूलोगे, चार स्टेज होती है, ओके, चार स्टेज होती है, चारों की चारों आज याद हो जाएगी,
ओके, बट पहले इसका आंसर दे दो, ओके, बट पहले इसका सर ये बहुत कंफ्यूजन करता है, हमने तो पता नहीं क्या याद रखा था और पता नहीं ये क्या आदत है, और आंसर कुछ और ही चला जाता है, ओके, आंसर कुछ और ही चला जाता है, क्लियर। इन चारों की एक ऐसी ट्रिक दूंगा याद हो जाएगा, ओके, बट पहले मैं आपके आंसर देख लो। डिस्कलरेशन द अपीयर ऑफ द डिपेंडेंट एरिया ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, क्या बोलते हैं, राइगर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, स्टिप मोर्टिस, क्या बोलते हैं, आंसर बी आर ए, सी आर ए, बी आर ए, ओके, ए और डी और दे दो, ओके, चार तो है, क्लियर, यस। बात करते हैं देखो, सी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, ए आंसर, सी आंसर, बात कर लेते हैं। देखो चार स्टेज होती है, ओके, चार स्टेज होती है, इधर ध्यान दो, ओके, इधर ध्यान दो, चार स्टेज होती है, पहली स्टेज डाइंग के बाद में चार स्टेज होती है, पहली स्टेज, क्लियर दिख रहा है क्या, मैं नहीं दिख रहा बट बोर्ड दिख रहा है, वेरी गुड, कुछ तो दिख रहा है, ओके, पेलर मोर्टिस, सबसे पहले बोलते हैं पेलर मोर्टिस, ओके, पेलर मोर्टिस, पेलर मोर्टिस, ओके, इसकी बात कर लेते हैं, पेलर मोर्टिस के अंदर, यस, पेलर मोर्टिस, सबसे पहले अगर किसी की डेथ हो जाती है तो पेलर मोर्टिस होता है, और पेलर मोर्टिस का मतलब क्या होता है भैया, पेलर मोर्टिस का मतलब होता है पेल कलर बॉडी हो जाना, ओके, क्या हो जाता है, पेल कलर बॉडी, पेल कलर, ओके, पेल कलर बॉडी हो जाना, इसका टाइम ड्यूरेशन बता देता हूं, 1 to 2 hours के अंदर, ओके, 1 to 2 hours आफ्टर डेथ, ओके, 1 to 2 hours आफ्टर डेथ अगर बॉडी का पेल कलर हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है, ओके, डेथ के बाद में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा क्या, अरे पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा, ओके, नहीं पहुंचेगा तो बॉडी पेल होने लगती है सबसे पहला, ओके, पेलर मोर्टिस, क्लियर, यस। क्वेश्चन सेकेंड टर्म, ओके, सेकेंड टर्म की बात करते हैं, एल्गर मोर्टिस, ओके, सेकेंड टर्म की बात करते हैं, क्या, एल्गर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, ओके, अब इस एल्गर मोर्टिस का मतलब क्या, देखो ट्रिक के साथ में बात करेंगे, पर पहले इनको समझ लेते हैं, ओके, एल्गर मोर्टिस का मतलब क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाना, ओके, डिक्रीज बॉडी, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ओके, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, क्लियर, एल्गर मोर्टिस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जो कितने दिन, कितने टाइम के बाद होगा, 2 to 3 hours, ओके, 2 to 3 hours के बाद में बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उसको हमने बोल दिया क्या, एल्गर मोर्टिस। देन बात करते हैं थर्ड, ओके, बात करते हैं थर्ड, सारे के सारे क्वेश्चन, एक चीज और बता देता हूं, मैं जितना भी डिस्कस कर रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पटना एम्स ने पूछ लिए, अभी डिस्कस होंगे, ओके, तो पहले समझ लो, ओके, एक ही क्वेश्चन नहीं है, सारे ही क्वेश्चन पटना एम्स ने पूछ लिए, और जिसके कंसेप्ट हिले हुए थे, चारों के चारों क्वेश्चन गलत करके आ गए, ओके, ऐसा ही कुछ हुआ था, तो पहले इनको समझ लेते हैं, ओके, पहले देखो यहाँ पर कमेंट बंद करो और पहले समझो, थर्ड नंबर पर आता है लीवर मोर्टिस, ओके, थर्ड नंबर पर आता है लीवर मोर्टिस, ओके, लीवर मोर्टिस, इसका मतलब क्या होता है, ओके, इसका मतलब क्या होता है, डिस्कलरेशन, डिसकलरेशन ऑफ बॉडी, ओके, कौन सा डिस्कलरेशन, तो बात कर लेता हूं, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ओके, पूछ सकता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ओके, कौन सा, ब्लूइश डिस्कलरेशन, सर टाइमिंग की भी बात कर तो 3 hours, ओके, 3 hours सिक्वेंस वाइज है, ओके, सिक्वेंस वाइज है, 4 की बात कर लेते हैं, ओके, 4 की बात कर लेते हैं, सबसे लास्ट में जाके होगा राइगर मोर्टिस, ओके, राइगर मोर्टिस, सर क्या चल रहा है, कंफ्यूजन हो गए, ओके, कैसे हो जाओगे कंफ्यूजन, ओके, ऐसे ही थोड़ी हो जाओगे कंफ्यूजन, इसका मतलब होता है अब बॉडी स्टिफनेस हो चुकी है, ओके, अब बॉडी क्या हो चुकी है, स्टिफनेस हो चुकी है, जो उसको टाइम लगेगा 4 to 6 hours, अब बात को समझो, ओके, अब बात को समझो, इधर देखो, ओके, इधर देखो, बात को समझो, कि बात समझो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, क्लियर, तो पहले बात को समझो, देखो समझने की बात है, वरना सब कुछ नॉर्मल, किसी की डेथ हुई, क्लियर, किसी की डेथ हुई, डेथ होने के बाद में अगर बॉडी पेल हो जाती है तो उसको हमने बोल दिया पेलर मोर्टिस 1 to 2 hours के अंदर अंदर, ओके, उसके बाद में क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा, क्योंकि अब ब्लड सप्लाई रुक चुकी है, ओके, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा 2 to 3 hours के अंदर अंदर, उसको बोल दिया एल्गर मोर्टिस, ओके, लीवर मोर्टिस के अंदर डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी, ओके, इसमें पेलर हुआ था, इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, जिसको टाइम लगा 3 hours, ओके,
राइगर मोर्टिस के अंदर स्टिफनेस, या फिर मैं एक वर्ड और लिख देता हूं, ओके स्टिफनेस, और एक वर्ड और लिख देता हूं, क्या रिजिडिटी, क्या रिजिडिटी, ओके रिजिडिटी ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, क्लियर। अब देखो ट्रिक की बात कर लेते हैं, अब ट्रिक की बात कर लेते हैं, सर कैसे याद करें, इतने सारे तो आज याद है, बाद में याद नहीं होंगे। देखो ट्रिक, ओके देखो ट्रिक, राइगर, ओके राइगर, ओके राइगर की बात कर लेते हैं, राइगर में आर आई जी है, और रिजिडिटी, और रिजिडिटी, और रिजिडिटी और स्टिफनेस बात एक ही होता है, ओके रिजिडिटी और स्टिफनेस बात एक ही होता है, तो आर आई जी और आर आई जी, क्लियर। रिजिडिटी, ओके राइगर के अंदर होगा रिजिडिटी या स्टिफनेस, आर आई जी से आर आई जी को हमने मिला दिया, ओके तो ये तो हम नहीं भूलने वाले, ओके रिजिडिटी में आर आई जी है और राइगर में आर आई जी है, और रिजिडिटी को स्टिफनेस बोलते हैं, तो एक बात तो क्लियर हो गई, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी को हम बोल देंगे राइगर मोर्टिस, बात खत्म, ओके बात खत्म। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया, ओके पेलर का मतलब तो पेल कलर, इसको उड़ा दो, ओके पेलर का मतलब पेल कलर, ये तो याद रह जाएगा। देन उसके बाद में बात करते हैं, देखो दो और बच गए, ओके लीवर, लीवर में एल आ रहा है, ओके और डिस्कलरेशन कलर में एल आ रहा है, ओके लीवर में भी एल आ रहा है, लीवर में भी एल आ रहा है, डिस्कलरेशन में भी एल आ रहा है, ओके यानी कि लीवर मोटिस के अंदर डिस्कलरेशन होगा ब्लूइश, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 रिटेंशन हो जाएगी, CO2 रिटेंशन होने लग जाएगी। देखो बच्चा अल्गोर मोटिस अकेला, ओके अल्गोर मोर्टिस बच गया भैया अकेला, तो इसने क्या कर दिया, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, लीवर में एल आता है, डिस्कलरेशन में एल आता है बीच में, कलर क्लियर खत्म, ओके राइगर में आर आई जी आता है, और रिजिडिटी में भी आर आई जी आता है, और रिजिडिटी का मतलब स्टिफनेस होता है, यानी कि बॉडी स्टिफनेस इन राइगर मोर्टिस, ओके दोनों खेल खत्म, पेलर से पेल होता ही है, बचा अकेला, क्या अकेला में भी ए आता है अल्गर मोर्टिस, इससे टेम्परेचर आप क्या करवा लो, डिक्रीज करवा लो, क्लियर डिक्रीज करवा लो। अरे रीजन कोई नहीं पूछता इनसे, इतना ही पूछ लेते हैं कि आंसर इनका मतलब क्या है, ओके इनका मतलब क्या, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पटना एम्स ने पूछे गए, ओके सारे के सारे क्वेश्चन इसी पटना एम्स ने पूछे गए हैं, तो हम वो क्वेश्चन सामने आने वाला। अब इसने क्या पूछा, डिसकलरेशन, ओके डिसकलरेशन भैया, ओके डिसकलरेशन में एल आया, देखो लीवर मोटिस में एल आया, कहां दिमाग लगाने की जरूरत है सर, कहीं भी नहीं है, 27 के अंदर आंसर जाएगा आपका क्या, बी, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर यस, बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करो, ओके क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, मनन मैंने सीक्वेंस लिखा है वो ठीक है, बाकी मैं और भी चेक कर लूंगा, बट मैंने सीक्वेंस जो मिला मुझे वो ठीक मिला, क्लियर क्वेश्चन नंबर 20, बट आई विल चेक, क्लियर। कुस्मॉल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विद, ओके कुस्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलती है, ओके कुस्मॉल ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, कुस्मॉल ब्रीदिंग का मतलब थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ओके इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन और इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ओके इरेगुलरली इंक्रीज रेट ऑफ रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाना, बट एपनिया नहीं होगा, बट एपनिया नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखो एपनिया नहीं होगा, ओके एपनिया यहाँ पे नहीं होने वाला है, ओके एपनिया यहाँ पे नहीं होने वाला है, यस क्वेश्चन ये रहा, ओके क्वेश्चन ये रहा, या किसके अंदर, ओके किसके अंदर देखने को मिलता है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर कुस्मॉल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ओके मेटाबॉलिक एसिड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन साइन भी होता है, ओके सभी के आंसर यहाँ पर सही है, ओके पी ए आर एल वेरी गुड, ओके यस सभी के आंसर यहाँ पर सही है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग आर इंटेंडेड टू, ओके इसका मतलब भी आपको समझ में आ रहा, एक यहां पर वुंड हुआ उसके अंदर एक ऐसी ड्रेसिंग लगा दी जो यहां सर जो भी आएगा उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, बट एब्जॉर्ब किसको करेगी, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, क्या यहाँ पर वुंड हुआ उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, क्या नहीं करेगी, रिमूव ड्रेनेज फ्रॉम द बेड सोर, ओके जहां पर हमारा वुंड हुआ है वहां से ड्रेनेज को रिमूव करने के लिए तो एब्जॉर्प्टिव क्या लगाई जाती है, ड्रेसिंग लगाई जाती है, बात सही है, ओके
गेटर मॉइस्चर, अरे मॉइस्चर नहीं देना इन्फेक्शन हो जाएगा, ओके आंसर नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन ब्लड, ब्लड थोड़ी एब्जॉर्प्शन करा रहा है, सभी के आंसर शायद सही होंगे, बी आंसर यहाँ पे सही है, ओके बी आंसर यहाँ पर सही है, सभी के आंसर यहाँ पे सही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 30, लैटिन वर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं, मोस्ट का अवॉइड करते हैं, यस सोनाली, 30 नंबर क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, लैटिन वर्ड आपके सामने आ चुके हैं, लैटिन वर्ड आपके सामने आ चुके हैं, ओके और एक क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, ओके एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, क्लियर, यस ये ही पढ़ते हैं, ओके यस, क्या लिखा हुआ है टीएसएल, क्या लिखा हुआ है, रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं क्या होता है, हौसले भी जिद्दी है, ओके क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर आर फॉर एवरी अदर डे, एवरी अदर डे, यस एवरी अदर डे को क्या सिंबल लिखा जाएगा, लैटिन वर्ड्स है सारे के सारे, क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है, एवरी अदर डे आंसर, ए आंसर आ रहे हैं, ए आंसर आ रहे हैं, सी आंसर आ रहे हैं, ए आंसर आ रहे हैं, देखो बात को समझो, क्यू ओ डी, ओके क्यू ओ डी का मतलब होता है एवरी अदर डे, ओके क्यू ओ डी का मतलब होता है क्या, एवरी अदर डे, ओके एवरी अदर डे, क्लियर, देन क्यू एच का मतलब होता है ईच हावर, ओके क्यू एच का मतलब होता है ईच हावर, ओके क्यू एच का मतलब होता है क्या, Each hour. Then QD का मतलब होता है once a day. Okay, OD और QD बात एक है. Once a day. Clear? Once a day. और BID. BID का मतलब होता है twice a day. Okay, क्या होता है? Twice a day. Okay. Then एक और बात कर लेते हैं. QID. Okay. QID. इसका मतलब क्या होता है? Okay. Four time a day. Four time a day. Clear? तो यहाँ पर आंसर क्या जाने वाला है? QOD, वेरी गुड, हॉस्पिटल में काम करने वालों को बहुत अच्छे से याद होगा, ओके यस आंसर प्लीज, 31st आंसर प्लीज, डोल कैलकुलेशन, ओके आंसर फास्ट, यस फॉर्मूला मैं लिख देता हूं जिनको याद नहीं है, ओके फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल नंबर, टोटल वॉल्यूम, सॉरी टोटल वॉल्यूम बटे, ओके टाइम, टाइम किसके अंदर आएगा, मिनट के अंदर, ओके मिनट के अंदर, इंटू ड्रॉप फैक्टर, इंटू ड्रॉप फैक्टर, यस निकालो, ओके निकालो, क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, टोटल अमाउंट कितना है भैया, टोटल अमाउंट है इसके अंदर 1000, ओके देन टाइमिंग हमारे पास में लिख रखा है, इसमें टाइमिंग हमारे पास में 6 आवर, ओके 6 आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मिनट में चेंज किया, उसके बाद में ड्रॉप फैक्टर, ओके ड्रॉप फैक्टर कितना दे रखा है, ये रहा, ओके 15 ड्रॉप फैक्टर दे रखा है, ओके 15 4, ओके ये 25, ओके 50, ओके देन इससे करेंगे तो कितना आंसर यहाँ पे आने वाला है, यस कितना आंसर यहाँ पे आने वाला है, 41.66 आंसर आने वाला है, ओके इसमें से देख के बताओ क्या आंसर हमारा हो सकता है, क्या आंसर हमारा हो सकता है, क्या आंसर हमारा हो सकता है, अरे भैया 21 ड्रॉप कैसे आ गए, ओके 21 ड्रॉप कैसे आ गए, ए ए ए ए आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, ओके सिंपल कैलकुलेशन, एक दो पॉइंट की खेल है, बात खेल, नेगेटिविटी की ओर नहीं बढ़ना, ओके सिंपल क्वेश्चन था, ओके सिंपल क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ये लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है, ओके इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज द पेशेंट एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शियरिंग फोर्स, ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शियरिंग फोर्स, ओके ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ, कौन सी पोजीशन पे शियरिंग फोर्स का ग्रेटेस्ट रिस्क है, कौन सा रिस्क हो सकता है, बहुत बढ़िया, ओके पहले तो ये शियरिंग फोर्स क्या होता है समझने की कोशिश करो, निखिल नीलकंठ नहीं, ओके अपने आप आंसर मत दो, देखो शियरिंग फोर्स होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट को हम पैरेलली ले लेते हैं, ध्यान दो, अरे इधर तो ध्यान दे लो, इधर ध्यान दो क्लास, जब दो ऑब्जेक्ट को हम पैरेलली ले लेते हैं तो एक दूसरे पर वो क्या करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स क्रिएट करते हैं, ओके इसको बोलते हैं शियरिंग फोर्स, ओके यस देखो ये हाथ के ऊपर मैंने ये हाथ रख दिया, ओके इसमें क्या हुआ शियरिंग फोर्स, इसको क्या लगेगा शियरिंग फोर्स, दो कौन सी पोजिशन में सबसे ज्यादा शियरिंग फोर्स होगा,
मैंने ये नहीं पूछा कि अमाउंट कितना होगा, कौन से पोजीशन सबसे ज्यादा शेयरिंग फोर्स होगा, और फोर्स लगता है पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, देखो मैं अगर इसको कैसे बना दूं, मैं अगर इसको ऐसे बना दूं, देखो ऐसे बना दूं, क्लियर, ऐसे बना दूं, तो इस पॉइंट पर अब सबसे ज्यादा शेयरिंग फोर्स होगा, मतलब समझ रहे हो ना शेयरिंग फोर्स का। ओके, पैरेलल पर अगर दोनों को एक साथ रखा गया तो वो पॉइंट जिस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, ये टाइप के फोर्स को शेयरिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, या कौन सी पोजीशन पे आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोर्स लगने वाला है? ओके, बी 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 90 डिग्री, डी डी हाई फाउलर, डी ओके डी, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, देखो सेमी फाउलर पोजीशन, देखो सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को देते, पहले मैं चेयर बना लेता हूं, ये रही अपनी चेयर, क्लियर, ये रही चेयर, ऐसी होती है, क्लियर, यस। देखो सेमी फाउलर पोजीशन, पेशेंट को दी ये क्या, अरे पेशेंट का ये, और ओके पेशेंट को दे दी क्या, सेमी फाउलर पोजीशन, बट इसके अंदर देखो, ओके इसके अंदर देखो, पेशेंट यहां से भी टच है तो कुछ तो पोर्शन इसने ले लिया। ओके, पेशेंट यहां से भी टच है, कुछ पोर्शन इसने ले लिया, पेशेंट यहां से भी टच है, कुछ पोर्शन इसने ले लिया, तो तीन जगह भैया फोर्स बट गया, तो फोर्स का जो प्रेशर है वो तो तीन जगह हो गया, तो मे बी कम हो सकता है, मे बी इस पर्टिकुलर तीन जगह हो गया तो मे बी कम हो सकता है। नेक्स्ट, लाइंग सुपाइन पोजीशन, अब पेशेंट आ गया सुपाइन पोजीशन के अंदर। ओके, पेशेंट आ गया सुपाइन पोजीशन के अंदर, अरे भैया अब तो फोर्स हर जगह है। ओके, अब तो फोर्स हर जगह, तो ड्यूरेस, ओके अमाउंट ऑफ फोर्स तो पूरी सरफेस पे हो गया, तो क्या सर्कुलेशन इंपेयर्ड होगा क्या? नहीं होगा, अब तो पूरी बॉडी ले रही है। ओके, अब तो पूरी बॉडी ले रही है, अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन तो क्या होगा इंपेयर, इसमें तो और भी कम हो सकता है, इसलिए आंसर नहीं है। इसमें तीन चार जगह फोर्स क्या हो गया, बंट चुका है, इसलिए आंसर ये भी नहीं है। ट्रेंडलबर्ग और इसमें से ऊंचा नीचा कर दो, ट्रेंडलबर्ग क्या मतलब हुआ? ओके, हाई फाउलर के अंदर देखो क्या होगा। ओके, हाई फाउलर के अंदर देखो क्या होगा, हाई फाउलर के अंदर ये पेशेंट रहा, ओके ये पेशेंट रहा और ये बैठेगा भैया। ओके, तो सबसे ज्यादा फोर्स तो इस पे यहाँ पे आएगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोर्स होगा, बेड सोर इधर ही हो जाएगा। ओके, एक ही पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोर्स लगा, क्लियर, एक ही पॉइंट पर क्या लगा, सबसे ज्यादा फोर्स लगा, तो सबसे ज्यादा शेयरिंग फोर्स हाई फाउलर के अंदर देखने को मिलता, पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा था, हाई फाउलर पोजीशन। डी आंसर सभी के सही है। ओके, डी आंसर जिन्हें भी ने भी दिया है, सभी के आंसर यहाँ पे सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 33, मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ओके, मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ओके, यस, ये मिड लाइन आपकी, ये मिड लाइन आपकी। ओके, यहां से कोई भी जॉइंट, ओके ये मिड लाइन आपकी, मैंने इस जॉइंट को ऐसे कर दिया, मेरी बॉडी से दूर कर दिया। ओके, छोटे बच्चे जब होते थे वो बोलते थे ऐब कर रहे हो। ओके, ऐब कर रहे हो मतलब कुछ गलत कर, राजस्थान में बोलते हैं कुछ गलत कर देना, तो ऐब मत करो, ऐब का मतलब होता है कुछ गलत कर रहे हो, अपने से दूर जा रहे हो, गलत कर रहे हो, तो देखो ऐब देख लो भैया, ऐब ये रहा। ओके, एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब होता है अपने मिड लाइन से दूर जाना। ओके, मिड लाइन से दूर जाना, ऐब कर रहे हो, राजस्थान में बोलते हैं, क्लियर, एबडक्शन। ओके, देखो अडक्शन, अडक्शन और अबडक्शन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ऐब कर रहे हो मतलब कुछ गलत कर रहे हो, गलत का मतलब दूर जा रहे हो। ओके, तो अबडक्शन यहाँ पे आंसर होगा, अडेशन का मतलब चिपकना होता है, एडिक्शन का मतलब आदत लग जाना होता है, दोनों ही नहीं है। ओके, इसमें हमने कैसे ट्रिक निकाली, अगर अब का मतलब होता है, अब का मतलब दूर जाना, ओके यानी कुछ गलत हो रहा है, तो या मिड लाइन अवे जाएगा तो अबडक्शन, कुछ ट्रिक्स होती है जो हमेशा हमको याद दिलाते हैं कि क्वेश्चन गलत नहीं होने देती। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म चीलोसिस मींस, चीलोसिस का मतलब क्या होता है, देखो क्रैकलिंग ऑफ लिप्स का मतलब क्या होता है, चीलोसिस, क्लियर, क्रैकलिंग ऑफ लिप्स का मतलब क्या होता है, चीलोसिस, बैड ब्रीथ को क्या बोलते हैं, ओके बैड ब्रीथ को क्या बोलते हैं, क्लास बैड ब्रीथ को क्या बोलते हैं, हेलिटोसिस। ओके, क्या बोलते हैं, हेलिटोसिस। ओके, बैड ब्रीथ को क्या, देखो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं हम पटना में। ओके, हेलिटोसिस क्या बोलते हैं, क्लास हेलिटोसिस। ओके, यस, गम्स, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स को क्या बोलते हैं, क्या ये रहा। ओके, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिंगिवाइटिस, क्या बोलते हैं, गिंगिवाइटिस, गिंगिवाइटिस। देन इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस, क्या बोलते हैं, क्लास ग्लोसाइटिस। ओके, सबको पता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, यस, एक ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ब्रीथिंग दैट नॉर्मल, नॉर्मल ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, यूपनिया। ओके, क्या बोलते हैं, यूपनिया। ओके, सबका आंसर ये सही है, सबका आंसर सही है। ओके, सबका आंसर ये सही है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 36 देखो कितने फास्ट पढ़ रहे हैं, कितने फास्ट पढ़ रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस में हम बिल्कुल भी यहां पर ज्ञान नहीं लगा रहे, ओके, क्योंकि वो आपको भी आते हैं, इनको भी आते हैं, उनको भी आते हैं, मुझको भी आते हैं, क्लियर। यस, नेक्स्ट, मैंने बोला था आएगा, ओके। एक ही एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो इससे गया, ओके, पूछता इतना ही है, ओके, पूछता इतना है कि किसका मतलब क्या होता है, आज तक यही पूछा है और यही पूछेगा, क्लियर। देखो स्टिफनेस, देखो मैंने बोला स्टिफनेस, ओके, और स्टिफनेस का मतलब होता है रिजिडिटी, ओके, रिजिडिटी, ओके, और रिजिडिटी में आर आई जी आ गया भैया, और ये रहा हमारा आर आई जी, अरे आंसर गया, हमने देखा ही नहीं कहीं पे, ओके, क्या गया यार, क्या नहीं, ओके, तो 36 के अंदर आंसर, 36 के अंदर आंसर डी, बिल्कुल, कलर डिस्कलरेशन लीवर मोटिस, बिल्कुल, ओके, तो और हम वापस से देख लेते हैं, देखो, ओके, राइगर मोटिस, देखो, सॉरी, ओके, स्टिफनेस, यस, बिल्कुल बिल्कुल, स्टिफ मोटिस नहीं होता, स्टिफ मोटिस कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, ध्यान रखना, स्टिफ मोटिस कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, राइगर मोटिस यहाँ पे आंसर जाने वाला है, ओके, राइगर मोटिस यहाँ पे आंसर जान, देखो कितना कंफ्यूजन करेगा कि स्टिफ लिख दिया और स्टिफ लिख दिया, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, स्टिफ मोटिस हो, ओके, राइगर मोटिस, आर आई जी और आर आई जी, रिजिडिटी का मतलब होता है स्टिफनेस, ओके, यस, क्लियर है बात, क्लियर है, यस, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओके, अभी आप इस पर डिस्कशन किया था, बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, यस, ओके, क्या लिख रखा है भैया, नोट, देखो स्पीड के चक्कर में नोट मत भूल जाना, कौन सा यहां पर ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, वॉट इज अलगोर, अरे अभी तो समझाया था थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में, तो समझा, आप अभी जुड़े, ओके, वीडियो को प्रीवियस में जाके जरूर देखे, ओके, यस, वीडियो को प्रीवियस में जाके जरूर देखे, अभी समझाया था सारी टर्म का मतलब, ओके, यस, गुरप्रीत जी अभी समझाया था, जैसे क्लास सेशन एंड हो आप दे सकते हो सभी का वर्ड का मतलब समझाया था, ओके, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ड्राई कोल्ड, ओके, तीनों के तीनों ड्राई है, तीनों के तीनों ड्राई है, बैग के अंदर चाहे आइस भर लो, कुछ भी ठंडा प्रोडक्ट दे दो, बट ये कवर है पूरी तरीके से तो ये ड्राई है, ओके, वेट कौन सा होता है, देखो कॉटन लिया उसके अंदर ठंडा पानी डाला और डायरेक्ट लगा रहे हो, वेट है, ओके, वेट, वेट मोइस्ट है, क्लियर, मोइस्ट है, ओके, ये ड्राई कोल्ड है, ये मोइस्ट कोल्ड है, क्लियर, कॉटन के अंदर पानी डाला और डायरेक्ट स्पंजिंग कर रहे हो, क्या हो गया, मोइस्ट कोल्ड, ओके, और ये इसने नोट पूछा तो हमारा आंसर ये ही जाएगा, ओके, हमारा आंसर ये ही जाएगा, ओके, सभी का आंसर सही है, ए आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो चुके हो आप तो, बहुत बढ़िया बात है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है, यस, मैं पहले आपके आंसर लेना चाहता हूं, मनन गहलोत फायर कर रहे हो, ओके, यस, पायरोमेनिया बोलते हैं इसको, क्लियर, यस, द मेन इंट्रासेल्यूलर कैटायन इज, सभी के आंसर यहां पे फास्ट, सभी के आंसर सही जाने चाहिए, सभी के आंसर क्लास यहां पर सही जाने चाहिए, सभी के आंसर यहां पर सभी जाने चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमेंट राफेल वो बना दिया आपने, ओके, देखो बात करते हैं इस पे, ओके, ये सेल है, ओके, ये सेल है, इंट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर भैया एक तो पोटेशियम होता है जो कैटाइन होता है, ओके, देन एक फॉस्फोरस होता है, देन एक फॉस्फेट होता है जो क्या होता है, एनायन होता है, और सेल के बाद बात कर लेते हैं सोडियम और क्लोराइड, सोडियम कैटाइन है और ये एनायन है, ओके, तो इसने क्या पूछा, सेल के अंदर कैटाइन कौन सा है, तो पोटेशियम ही है कैटाइन, तो ये आंसर यहाँ पे चला गया, मुझे लगता है ना इस पे डिस्कस करना चाहिए, ओके, अगर आपको लगता है तो खूब करो, क्लियर। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल मुक्योसा इज नोन एज, ओके, इज नोन एज स्टोमेटाइटिस, अरे भैया कहाँ गए, ये रहा, ओके, स्टोमेटाइटिस, क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस, पैरोटाइड ग्लैंड, और इन पे अभी बात की थी, क्लियर, स्टोमेटाइटिस यहाँ पे आंसर होने वाला है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ये रहा, Which of the following medication order is administered immediately and only once? एक बार ही आपको order देना है, क्या है? Order देना मतलब follow करना एक बार, okay? Which of the following medication order is administered immediately and once a day? एक ऐसा order मिला जिसमें आपको एक बार ही order को administration करवाना है, okay? समझ रहे हो? Administered immediately once a only once एक बार, clear? Yes. Answer आना start हो चुके हैं। नरेंद्र वर्मा, निशा, ओके, मनन, जे वाई ओ कोर, पता नहीं जय ओ कोर, सॉरी,
पवन, एलसी यादव, या सभी के आंसर सही है, सभी के आंसर सही है। आपको पता होगा ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ओके, और सभी के आंसर यहाँ पे सही है। बहुत बहुत खुशी होती है टीएसएल को ऐसा देखकर, ओके, सभी के आंसर यहाँ पर सही है। और मैं यहाँ पर बता देता हूं, ओके, स्टेट यहाँ पर क्या जाने वाला है, आंसर जाने वाला है, स्टेट यहाँ पर क्या जाने वाला है, आंसर जाने वाला है, क्लियर, यस। बात करते हैं कुछ ये लो, ओके, और देखो क्या लिख रखा, मोटिवेशन लेके जरूर जाए, क्लियर, मोटिवेशन लेके जरूर जाए, क्या लिख रखा क्लास, क्या लिख रखा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, क्लियर, ऐसी आग आपको हर जगह लगा देनी है, ओके, डेली अपने सीने में आग लगानी है और सबसे ज्यादा पायरोमेनिया कर देना है जिस दिन आपकी एग्जाम होगी, क्लियर, यस। मैं फिर बता रहा हूं, पटना एम्स के मैंने सारे के सारे पेपर्स में से जो भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है उसको विद सब्जेक्ट वाइज, मैंने बोला था 40 क्वेश्चन आते हैं कहां से, फंडामेंटल से 40 क्वेश्चन आते हैं, ओबीजी में से 40 क्वेश्चन आते हैं कहां से, मेडिकल सर्जिकल से, ओके, मेडिकल सर्जिकल के पूरे 40 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए, देन आज फंडामेंटल के पूरे 40 क्वेश्चन विद फास्ट, आप बोलते सर फास्ट कराओ सारे के सारे फास्ट के साथ में करवाए, ओके, देन कल से हम उसी टाइम उसी पर्सन के साथ में, ओके, वही टाइम रहेगा, वही मैं रहूंगा, वही सेशन रहेगा, बट कल हम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ में, नया टॉपिक होने वाला ओबीजी के साथ में 40 क्वेश्चंस के साथ, ओके, गुड नाइट सभी को, अलविदा दोस्तों, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।